बज रहे हैं 6:30। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं पैकेट के जो है वॉश कर रही हूँ, जो दूध के पैकेट होते हैं उसको वॉश कर रही हूँ। मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ, ये अभी अभी आए हुए थे और मैंने जो है नहा लिया है, बाथ ले लिया है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि पहले बाथ ले लेते हैं फिर उसके बाद घर का काम करेंगे, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में ही बाथ ले लिया है। तो जो है मैंने जो है दूध के पैकेट धुल लिए हैं और उसको जो है फ्रिज में मैं रख रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और अभी आप देख सकते हो किचन में बहुत सारा काम बाकी है, मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैं सबसे पहले धुलूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन रह गए थे। उस दिन जो है लाइट बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम कर रही थी, मगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसकी वजह से मेरा काम सब इधर का उधर हो गया था, कहीं कोई काम जल्दी हो रहा था कोई काम देर में हो रहा था, बस यही चल रहा था। और मैं सोच रही थी कि कहीं लाइट ना चली जाए, तो फटाफट रुचि बेटा बर्तन मांझ लो और अच्छी तरह से, तो बस मैं धुल रही हूँ बर्तन, आप देख सकते हो। बात बताना भूल गई, आज क्या हुआ आपको मैं बताऊं, आज ये हुआ कि हमारे यहाँ गैस भी ख़त्म हो गई थी, गैस चली गई थी, और आप देख सकते हो आधी चाय पकी हुई है और आधी चाय नहीं पकी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो वैसे फ़ोन करके ऑर्डर कर दी गई थी गैस, मगर अब कितनी देर में आती है कितनी देर में मिलती है ये मुझे नहीं पता था, मगर बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, हम लोग ने चाय तक नहीं पी थी, एक तो लाइट दिक्कत कर रही थी, ऊपर से गैस चली गई, आप सब लोग समझ सकते हो। और मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक अपना घर का काम कर लेते हैं, तब तक फिनिश हो जाएगा काम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो डेली जो किचन क्लीनिंग होती है, मगर हम लोगों का जो डे होता है बहुत बहुत ज़्यादा बिजी जाता है, इतना बिजी जाता है हम मम्मियों का दिन कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डे बिजी जाता है। तो आप देख सकते हो मेरा किचन हो गया है क्लीन, आप देख सकते हो लगभग हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। और अब चलते हैं रूम में, तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है आप देख सकते हो, और तेजस ने बाथ ले लिया है, वो बैठा हुआ है और कुछ खेल रहा था, शायद अपना बेबलेट खेल रहा था, तो आप देख सकते हो। और बस मैं सारा काम मॉर्निंग का फिनिश कर लूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और हाँ, आजकल लखनऊ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स आज जो है गैस मॉर्निंग में चली गई थी और बस अभी अभी गैस आई है, और सुबह सुबह मैंने बाथ ले लिया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया सुबह सुबह मैंने बाथ ले लिया था, बाथ लेने के बाद मैंने आज सारा काम किया, पूजा वूजा कर ली थी, तो मैंने कहा कि पहले काम कर लेते हैं उसके बाद में हाथ से बात करेंगे। तो आज मैं ये जा रही हूँ खाने, ये है क्रैक्स के चीज़ बॉल, ये देखो टूट गया, कैसे टूट गया इनका, टूट क्या टूट गया, तो रिपोर्ट स्पिन करें, अब ऐसे ही स्पिन करो, खाते हैं बहुत टेस्टी है, यमी है, ये मुझे बहुत पसंद है, चीज़ बॉल क्रंची भी है, इसमें थोड़ा सा चीज़ का फ्लेवर है, स्प्रे किया जाती है, फ्लेवर होता है मगर चीज़ होती नहीं है, इसमें स्प्रे की जाती है। अब
पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कपड़े हैं और इनको फोल्ड करना है। कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, अभी भी कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है लखनऊ में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कपड़े आप देख सकते हो कि मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और तेजस से बातें करती जा रही हूँ। तेजस कुछ टॉय वॉय खेल रहे थे, वो बस ऐसे ही करते रहते हैं जब मैं काम करती हूँ, तो थोड़ा से वो भी खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। और क्लासेस जो है अभी आज इनकी नहीं थी तो बस ये फ्री थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठाते हैं और अपना जो है टॉय वॉय खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, और बस मैं कपड़ों को फोल्ड करने में लगी हुई थी। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इतना काम हो जाता है, तो आप देख सकते हो बेडशीट्स को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, बेडशीट बहुत बड़ी हो जाती है तो मैं खड़े होकर फ़ोल्ड कर रही हूँ, वो ज़्यादा जतने से जितने से फ़ोल्ड हो जाती हैं, तो सारी बेडशीट्स को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको अब मैं रखूँगी जिस जहाँ पर रखी जाती हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और आज ब्रेकफास्ट में है वड़ा पाव, और आप देख सकते हो मैंने राइस से जो है छौंका लगाया है, फिर हरी मिर्ची डाली है, तो वड़ा पाव का बैटर बनाते हैं, फिलिंग स्टफिंग बनाते हैं। तो ये है कढ़ी पत्ता खूब सारे, क्योंकि वड़ा पाव जो है मुंबई की डिश है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो पहले हम लोग हर साल शिरडी जाते थे, इधर 2-3 साल से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि वहाँ यहाँ पर मैंने आलू स्मैश करके डाल दिया है और ये थोड़ा से मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा से सांभर मसाला है, चम्मच जो है हल्दी धनिया मिर्चा भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल भी फिनिश हो गया, इसने सोख लिया है आलू ने, और इसको अच्छी तरह से मैं जो है भून लूँगी और इसको एकदम ड्राई रखना है, क्योंकि आप जब वड़ा पाव बनाओगे तो वो एकदम टाइट होना चाहिए आलूओं को। तो आप देख सकते हो हरी धनिया मैं ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको जो है कुछ देर ऐसे ही जो है प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो वड़ा पाव का जो फिलिंग होती है उसकी स्टफिंग तो तैयार है, और अब चलिए बैटर तैयार करते हैं। गैस को ऑफ कर दिया है और ठंडा होगा तब उसके बाद करेंगे आगे। तो अब मैं जा रही हूँ बैटर बनाने वड़ा पाव का। तो मैं बेसन निकाल रही हूँ, नमक, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और बस, और हल्दी डालूंगी। बैटर को मिक्स कर लिया है आप देख सकते हो, और ये देखिए इस तरह का बैटर बनाना चाहिए, ये देख सकते हो आप कितना रनी है। तो अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, मैक्सिमम 10 मिनट्स ओनली, तो बस इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, फिर बनाएंगे अपना मुंबई फेमस वड़ा पाव। तो रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैं फिर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं हरी मिर्चियों को तल रही हूँ, क्योंकि वड़ा पाव के साथ हरी मिर्ची तली हुई बहुत टेस्टी लगती है, यमी लगती है। तो बस मैंने मिर्ची को हल्का से नमक लगाकर तल लिया है और बीच से मैंने जो है मिर्ची को काट दिया है ताकि मिर्ची फटे नहीं, अगर फट जाएगी तो बहुत बुरी हालत होगी, एक बार मेरे साथ हो गया है, वो बात मैं आपको कभी और बताऊँगी। तो इस तरह से मैं कहते हैं ना कि अपनी गलतियों से हर चीज़ इंसान सीख जाता है, बस गलतियां कर करके मैं सीख गई हूँ। और यहाँ पर मैं जो है छोटे छोटे बॉल बना रही हूँ आलू के और उसको डिप करूँगी बैटर में। ये बैटर कैसे बनाया है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं हाथ को बिना मैसी किए बस ऐसे काम कर लूँगी और बहुत बढ़िया से बनेंगे ये बॉल। और अभी आप देखिएगा बस मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ, और जैसे मैंने ये वड़ा पाव फ्राई करना शुरू किया पीछे से फरमाइशें शुरू हो गईं। तो फरमाइशें क्या थी कि इसके साथ कुछ और भी बना लो, कुछ और भी वैरायटी ऐड कर लो, तो मैंने कहा चलो कुछ दिमाग लगाते हैं और कुछ वैरायटी ऐड करते हैं, मुझे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि मैंने क्या दिमाग लगाया है और क्या क्या वैरायटियाँ बनाई हैं नाश्ते में ब्रेकफास्ट में। तो आप देख सकते हो अब मैंने यहाँ पर तले हैं
ब्रेड पकौड़े, तो मैंने उसी स्टफिंग को मैंने ब्रेड में फिल कर दिया है और चटनी भी लगा दी थी बेस में, और मैंने बैटर में इसको डिप किया और मैं ब्रेड पकौड़े जो है फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी वैरायटी बना ली। ये बनाया है ब्रेड रोल, आप देख सकते हो, ये ब्रेड पकौड़े और ये वड़ा पाव और ये तले हुए मिर्चे, तो ये सब बनाया है। और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कहते हैं मौसम औसम हो रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। चलिए खाते हैं और खाते खाते बात करते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने सोचा कि बैक कैमरे से आपको दिखाते तो अच्छी तरह समझ में आएगा मैंने क्या क्या बनाया है। तो ब्रेड पकौड़े, वड़ा पाव, ब्रेड रोल, तली हुई मिर्ची और हरी चटनी, वाह क्या बात है। तो वड़ा पाव खा रहे हैं और ब्रेड के साथ, भी पाव नहीं मिला, ढूंढ डाला क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो पाव मिला नहीं, तो ब्रेड मिल गई है तो ब्रेड में खा रहे हैं। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, बस पाव की कमी है। बहुत अच्छा बना है। अब मैं जो है ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ, बहुत यम्मी लग रहा, बहुत टेस्टी है, मजे आ गए। मजे आ गई। अब एक हफ्ते तक कुछ मत करना, हफ्ते बहुत स्पाइसी था। स्पाइसी तुम ही नहीं कहा था स्पाइसी बनाने का, गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी तेज बारिश हो रही है, आप आवाज सुन सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता कर लिया है, बहुत यमी बना था, बहुत टेस्टी बना था। इस मौसम में ये सब चीजें खाने का बहुत ज्यादा मन होता है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।